विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार महागठबंधन की तीन पार्टियों ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है और शरद यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग की है। दरअसल 14 फरवरी को पटना के घोटाल में महागठबंधन में शामिल तीन दलों के नेता जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी ने पटना में लोकतांत्रिक जनता दल प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के साथ एक बैठक की। इस बैठक के लिए कांग्रेस या आरजेडी के किसी नेता को न्योता नहीं दिया गया था। खबरों के मुताबिक इस बैठक में शरद यादव को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है, लेकिन जब बैठक में शामिल नेताओं से इस बैठक के बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी ने जहां ये कह दिया कि कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब पता चल जाएगा कि बैठक में क्या बात हुई है, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बात टालते हुए वैलेंटाइन डे मनाने की बात कही। एक बात बता दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल शरद यादव यहाँ करेंगे। लेकिन ये बैठक की जरूरत क्यों पड़ी मांझी जी, क्या अलग से जिसमें कांग्रेस भी नहीं है, तेजस्वी भी नहीं? सारी बात बता देंगे, वो सारी बात बता देंगे, अभी अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या आप लोग को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार है? अब ये अलग बात है, सब कुछ है, जो भी है कल आपको बताया जाएगा। यहाँ अस्वीकार अस्वीकार का मतलब नहीं चाहते है कि शरद यादव नेतृत्व करें महागठबंधन का। आप जाइए ना, कहा ना कि कल बातें होगी। जो घटना हुई थी पुलवामा में, उस घटना में जो शहीद हुए थे उनके प्रति उनको याद करने का दिन है, श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। हम सब लोग इकट्ठा हुए और उनका सम्मान हम लोगों ने मन से किया। साथ ही साथ आज वैलेंटाइन डे है तो सब लोगों को शुभकामना इस दिन के लिए। प्यार मोहब्बत का दिन है, इसलिए आप सब लोगों से भी आग्रह है कि आप सब लोग आज कैमरा घर में बंद कीजिए और जाइए वैलेंटाइन डे मनाइए। वहीं इस बैठक से इतर बिहार तक से बातचीत करते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शरद यादव वरिष्ठ नेता हैं, वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद देंगे। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही है, इसको लेकर किसी भी दल को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार में तेजस्वी एक्सप्रेस ही चलेगा, बाकी कोई एक्सप्रेस नहीं। बाकी आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, सब लोग तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद देंगे, इसलिए कि 11 करोड़ बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है। तेजस्वी का कोई विकल्प है महागठबंधन में? कोई विकल्प नहीं है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, कोई मुगालते में ना रहे। तेजस्वी यादव जी हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तेजस्वी यादव जी ने झारखंड में बीजेपी को धूल चटाया, दिल्ली बीजेपी हारी, अब बिहार की बारी, एक ओवर में हैट्रिक होगा। नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, सुशील कुमार मोदी जी, तीनों क्लीन बोल्ड। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के महागठबंधन के नेता होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल महागठबंधन के कई नेता इस बात को लेकर नाराज हैं कि आरजेडी ने एक तरफा फैसला करते हुए तेजस्वी को महागठबंधन का नेता और मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रखा है। उनका कहना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को लेकर महागठबंधन के किसी भी दल से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।